जाएगा। और जिस टीम को फिलहाल अभी हम देख रहे हैं उन्हें खास अंकों की जरूरत है भी नहीं, और चार मैचेस खेलने के बाद उस टीम ने 40 अंक निकाले। मैं बात कर रहा हूँ हीरोइक टीम गॉडलाइक की, चार मैचेस खेलने के बाद 40 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। कल का आप कह सकते हैं कि इरांगल वो उतना अच्छा नहीं था जहां पर वो चार मात्र अंक लेकर जा पाए, पर उससे कुछ खास उनको फर्क पड़ेगा भी नहीं, 40 पॉइंट्स ऑलरेडी उन्होंने निकाले हैं। टीम हीरोइक टीम गॉडलाइक आईक्यू बीएमपीएस 2024 का सफर अब तक का बहुत ज्यादा लाजवाब रहा है। चार मैचेस खेलकर वो 40 अंक निकालेंगे और आसानी से आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल्स का जो सफर है वो तय करा जाएगा। ये तो तय बात रही, क्योंकि 40 से तो 45 मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो हमारा जा सकता है। मैं 44 लेकर अभी भी चलता हूं, पर एडमिनो और जोनाथन का जो रन रहा है, अगर रावन इस पर्टिकुलर आईक्यू बीएमपीएस 2024 में बात करें, एडमिनो 52 फिनिशेस उस खिलाड़ी ने निकाले हैं, एमवीपी की लिस्ट अगर देखी जाएगी सबसे ऊपर वो खिलाड़ी है। जोनाथन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे है, 41 से ज्यादा फिनिशेज जोनाथन के भी खाते में आए, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ वो दोनों ही खिलाड़ी फिनिशेस के मामले में तो बहुत ज्यादा ऊपर, और अगर पंक का भी देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नीचे है। और वही रीजन है कि एवरेज बहुत अच्छा मेंटेन वो कर रहे हैं, क्योंकि चारों ही खिलाड़ी वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जब बारी आ रही है तो बहुत ज्यादा बेहतर हमें करके जाते हुए देखने को मिले। 6 मैचेस की बात आई राउंड 2 में तो वहां पे 12.5 का एवरेज मेंटेन किए थे, और यहां भी है जैसा आपने बताया कि 4 मैचेस में 40 है तो 10 का एवरेज यहां पे भी मेंटेन कर रहे हैं। अब 8 मैचेस के बाद मैं जरूर देखना चाहूंगा क्या वो एवरेज आता है, बट जरा ओवरऑल स्टैंडिंग में निहार लेते हैं और जानते हैं कि अब कौन सी टीम कितना नीचे है। वो जो 22 का आंकड़ा था दो ग्रुप ए ग्रुप के दो मैचेस समाप्त होने के बाद, अब 22 कितना ज्यादा ऊपर जा चुका है। टीम एडबिट को आप देखें, 2 चिकन डिनर के साथ 29 टोटल फिनिशर्स निकाले गए 55 अंकों के साथ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी अर्धशतक टच कर चुके हैं, 50 उनके पास है। इग्नाइट इन सबको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये जितनी भी टीम 41 के ऊपर है मैं ये मान सकता हूं कि कल का दिन इनके लिए बहुत आसान होगा, आसानी से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। कुसोल अभी भी उनके 2 मैचेस आज के दिन के बचे रहेंगे, पर डब्ल्यूएसबी उन्होंने भी लगभग अपना काम किया 34 पॉइंट्स के साथ। डेफिनेटली ऑलमोस्ट वो फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं, और ये फिनिश लाइन एक्चुअली एक नए रेस को जन्म देती है जो सेमीफाइनल्स की होगी। बट ये वो टीम्स हैं जो राहत की सांस अभी भी ले सकती हैं। इनमें से जिन टीम्स के 6 मैचेस हो चुके हैं वो आज के गेम्स अपने पूरे कर चुके हैं, ग्रुप 1 में थे, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 अब अपने दिन को शुरू करेंगे। ग्रुप 2 देखिए यहाँ पे फिनिश करना अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है इन टीम्स के लिए। अभी बस 4 मैचेस बचे हैं अभी तक का सफर, राउंड 1 राउंड 2 हर टीम ने मेहनत करी तभी वो यहाँ तक पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पे आके आप फंस रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा, उसको जितनी जल्दी पहचानेंगे ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। टीम लॉल सभी के लिए 6 मैचेस में 26 हैं उनके पास, एंड कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इस टीम के लिए भी।